अस्सलामुअलैकुम अवेश, क्या आप भी अजीब कार में हिस्सा ले रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल हिस्सा ले रहा हूँ। ले रहे हैं तो जीत जाएंगे या क्योंकि बड़े बड़े अच्छे ड्राइवर्स आए हैं यहाँ पर? ड्राइविंग में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर कवरेज कर रहा हूँ, तो कवरेज में हिस्सा ले रहा हूँ। अच्छा, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। चलें, आप ज़रा बिजी होंगे कवरेज में, जल्दी सवाल कर लेते हैं आपसे। पहले तो ये बताएं कि ये मंगल वाला सरनेम है या किसी ने लकब दिया है कोई? ये लकब नहीं दिया है, ये सरनेम है। हमारी कौम जो है मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक है, तो मेमन कम्युनिटी में कॉमन नेम्स बहुत होते हैं, तो इसीलिए सरनेम बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपकी को हो शिफा यूसुफ़ज़ई बहुत तंग करती हैं, बहुत ज़्यादा तंग करती हैं आपको? इंतहाई से ज़्यादा खुश अखलाक और नफीस खातून है वो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मॉर्निंग शो ज़्यादा मुश्किल या तंज व मज़ाक की वीडियोज़ बनाना मुश्किल है? वो तंज व मज़ाक की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए। मुश्किल काम है बिल्कुल, वो दो मिनट की वीडियो बनाने में आपको कम से कम एक हफ्ता चाहिए होता है, और मॉर्निंग शो जो है वो हफ्ते में पाँच हो जाते हैं। इंसान को किस तरह से परखते हैं? इंसान को परखने के लिए वक्त लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा धोखा भी खाता हूँ, लेकिन ये है कि बड़ा मुश्किल काम है। इंसान जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है समझना, उसको नहीं समझा जा सकता। ऐसे पैंतरे बदलता है इंसान कि बस आप हैरान रह जाते हैं कि ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार आपकी नज़र में? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार तो गुजर गया, बिल्कुल गुजर गए, कायदे आजम थे भाई, उनसे बड़ा कोई सुपरस्टार पाकिस्तान का नहीं था। अब अगर आप किसी और फील्ड का पूछेंगे तो फिर मैं फील्ड वाइज बता दूंगा, वरना पाकिस्तान के लिए जो कुछ जिना साहब ने किया बस वही थे लेजेंड और वही रहेंगे। कौन सा ऐसा शख्स है जिसको देख कर लगता है कि किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान? हाय हाय यार, ये मुश्किल सवाल है, फिर उसके बाद सारे पहलवान मुझ पर आ जाएंगे, तो इसीलिए ये वाला ख़तरनाक सवाल रहने देते हैं, क्योंकि इसमें नाम बहुत सारे हो जाएंगे, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये मैं अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ, तो मुझ पर किस्मत मेहरबान हुई है बस। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की वजह आपकी नज़र में? यार पाकिस्तान के लोग अजीब लोग हैं भाई, भाई क्यों, क्या ज़रूरत है चीनी खरीदने की? ना खरीदो, क्या ज़रूरत है? फिर कहते हैं भाई चीनी महंगी हो गई, भाई नहीं खरीदोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना। चलो जल्दी जल्दी रैपिड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हाँ। चाय या कॉफ़ी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो। कराची वाला तो चाय के बगैर रहता नहीं है। मैं रहता हूँ। अच्छा, बिरयानी या पुलाव? पुलाव, पुलाव, क्योंकि बिरयानी में वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जिसको साफ करना पड़ता है, पुलाव बड़ा साफ सा आता है, तो साफ सादा आदमियों में। लियारी या DHA? ओहो, मुकम्मल तौर पर लियारी, लियारी। तो कराची किंग्स या लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर। हाँ 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 बिल्कुल। कराची वाले नाराज़ नहीं होंगे आपसे? नहीं, नहीं, कराची वाले सबसे मोहब्बत करते हैं, हर पाकिस्तान के शहर के लोगों को कराची वालों ने दिल में बसाया हुआ है, तो इसमें क्या बात है। लेकिन मुझे मज़े अच्छी लगती है, टीम बड़ी एनर्जी वाली टीम है, मज़ेदार टीम है, और बेचारे हारते भी हैं तो सपोर्ट करना चाहिए ना। ज़बरदस्त। ये बताएं कि कौन बेहतर होस्ट है, शिफा यूसुफ़ज़ई या अवेश मंगल वाला? आधा आधा कर लो भाई, मुनासिब लगा लो। बेहतर वज़ीर आला मुराद अली शाह या उस्मान बुज़दार? ये तो पुगम करके फैसला कर लो भाई, ये दोनों जो है ना, मतलब एक वो है जिनके बारे में लोग कहते हैं ये काम नहीं करते हैं, क्या काम करते हैं, और दूसरे वो है जो काम करते हैं तो फिर उस काम के बाद बहुत कुछ निकलता है उस काम में से। अगला वज़ीर आज़म किसे देखते हैं, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो या फिर से इमरान खान? अगला तो फिर से इमरान खान ही होगा। हाँ हाँ, हो गया हो गया, क्योंकि बंदा ताबेदार है। ज़बरदस्त। ये बताएं कि अगर आप इन शख्सियात होते तो सुबह उठकर उठते तो सबसे पहले काम क्या करते? आमिर लियाकत हुसैन? मैं सबसे पूछता हाँ भाई कैसा दिया। फवाद चौधरी? फवाद चौधरी होता तो फिर मैं कोई नया मंसूबा बनाता, कोई साइंस के लिए, कोई मीडिया के लिए, क्योंकि वो मंसूबे बड़े ज़बरदस्त बनाते हैं भाई, थप्पड़ भी अच्छे मारते हैं, लेकिन मंसूबा बंदी जो है ना उनकी वो कमाल है। आसिफ जरदारी? फिर मैं सोचता कि आज मैं क्या खाऊँ, मतलब नाश्ता करना होता है ना बंदे को, तो फिर नाश्ते में क्या खाऊँ? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ? हाँ, फिर मैं ये सवाल का जवाब ढूंढता कि अभी तक समझ में नहीं आया कि क्यों निकाला। आखिर में इमरान खान? इमरान खान होता तो फिर मैं सोचता कि आज मैं किस चीज़ का नोटिस लूँगा, क्योंकि जिस चीज़ का मैं नोटिस लूँगा उसके बारे में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। चले, आप बहुत मसरूफ़ है कवरेज के लिए होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया अवेश, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।